हाय एवरीवन, दिस इज़ मी समन सिमरन। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद समन सिमरन। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ हरे मिर्चों के अचार की रेसिपी। जैसे कि सर्दियाँ आ रही है और उससे पहले ही हमारे घर पे अचार बनना स्टार्ट हो गया है, तो आज यहाँ पे बन रही है हरे मिर्चों की अचार, जो कि काफ़ी इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत ही कम ऑयल में बनने वाली अचार है। जैसे कि आपको पता ही है कि अचार में काफ़ी ऑयल लगता है, लेकिन ये लेस ऑयल अचार है और बहुत इंस्टेंट है। इसको आपको बहुत दिन तक धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है मेरे पास इस रेसिपी में। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मिर्चों को धो लिया था और उसकी डंडियों को निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया है मिर्चों को। यहाँ पे 250 ग्राम मिर्चें हैं, तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम। और अब मैं इसे इस तरीके से विदाउट ऑयल इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे, और इसको रोस्ट करने में करीबन 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो आप देखो इसी तरीके से हमें करना है। फ्लेम हमारा लो होना चाहिए, अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो ये जल जाएंगे और अच्छा नहीं बनेगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मिर्चों का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है और ये काफ़ी ज़्यादा फूल भी गए हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली करें, क्योंकि कई बार मिर्चें कढ़ाई से छिटकने लगते हैं इसीलिए। और अब मैं फ्लेम को कर दूँगी थोड़ा सा मीडियम। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, क्योंकि अचार में सरसों का तेल ही अच्छा लगता है, इसीलिए डाल रही हूँ मैं। और अब मैं इसे करूँगी फ्राई। आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून ही ऑयल लगा है, इसीलिए मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही अच्छी अचार है और इंस्टेंट है। और इंस्टेंट के लिए तो आप देख ही रहे हो कि मैं इसे फ्राई कर रही हूँ एंड रोस्ट भी किया मैंने, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, उस वजह से मैंने इसे इंस्टेंट कहा है। और ये लेस ऑयल इसीलिए क्योंकि सिर्फ 1 टेबल स्पून ही ऑयल लगेगा आपको इस अचार में। तो अब मैं इसे इसी तरीके से फ्राई करूँगी और 4 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाए। तो मिर्चों को मैंने फ्राई कर लिया है और अब यहाँ पे लहसुन थोड़े से हम छील रहे हैं ताकि इस अचार में डाला जाए, क्योंकि मिर्चों के अचार में लहसुन नहीं डाला तो अच्छा टेस्ट नहीं आता। सो यहाँ पे लहसुन को हमने छील लिया है और दूसरी तरफ मैंने मिर्चों को निकाल लिया है एक कटोरे में। और मिर्चों को निकालने के बाद जो कढ़ाई में ऑयल थी ना, उसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पे 10 से 12 लहसुन की कलियों को। थोड़ा सा मैंने बीच से इसे चॉप कर लिया है और इसके बाद हम इसे भी लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो लहसुन ने भी अपने कलर को चेंज कर लिया है और अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे निकाल लूंगी। दोबारा से इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे ज़ीरा 1/2 टीस्पून। यहाँ पे थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बन रहा है इसीलिए इतना ही डालने से चल जाएगा। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पंचफोरन, और साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे राई और इसे हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि इनमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए तब तक। और यहाँ पे इनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे निकाल देती हूँ एक इमाम दस्ते में और इसे मैं कर लूँगी इस तरीके से थोड़ा सा क्रश। तो अचार के लिए मसाला हो चुका है तैयार और अब मैं इसे डाल दूंगी मिर्चों और लहसुन में। तो इस तरीके से मैंने इसे डाल दिया और अब मैं इसमें डाल दूंगी सारे स्पाइसेस को। उसके लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट यानी कि नमक, और इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर और जीरा का पाउडर। वो दोनों चीज़ों को एक क्वांटिटी में हमें डालना है और आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो अब मैं इसे करूँगी अच्छे तरीके से मिक्स, और आप चाहो तो इस रेसिपी में लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे कर लूँगी मिक्स और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो हमारा ये अचार ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब मैं इसे मिक्स करके छोड़ दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि नमक अपना पानी इसमें अच्छी तरीके से दे दे और ये सॉफ्ट होने लगे और ज़्यादा। उसके बाद हम इसे एक जार में भर लेंगे, आप चाहो तो प्लास्टिक के कंटेनर में भी भर सकते हो। उसके बाद हम 1 दिन के धूप में इसे रख देंगे और 1 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारे अचार ने थोड़े से कलर को चेंज कर लिया है और ये अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इतना जल्दी अचार आपने कभी देखा था बनते हुए? सिर्फ 1 दिन में ये अचार बनके तैयार हो जाती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।